तो दोस्तों आप देख सकते हैं अरबी का जो भुंजिया है बनकर रेडी हो चुके हैं। जो बॉईल दाल था उसको ऐड कर देंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी जस्ट मैं सुबह उठकर रेडी हो चुका हूं। और अभी क्या दोस्तों, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। एक्चुअली मैं आज लेट से उठा हूं, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट घर पे ही रेडीमेड रेडी कर लिया है, क्योंकि मैं सोचा कि मैं खुद से प्रिपेयर नहीं करूँगा, बनाऊँगा नहीं, तो मैंने रेडीमेड कर लिया है। तो अभी क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या ले रहा हूँ, और ये बहुत ही हेल्दी डाइट है। तो आज भी हम लोग बहुत जगह पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, और जो भी दिन भर का मेरा शेड्यूल होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लॉग में आप बने रहो। अगर आपको ब्लॉग दोस्तों पसंद आता है तो होपफुली ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने एक प्लेट में फ्रूट को कट किया है। एक एप्पल मैंने लिया है, दो बनाना और एक अनार मैंने लिया है। और यहाँ पे मैगी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मैगी भी बना लिया है ताकि मेरा कम्प्लीट नाश्ता हो जाए। तो अभी चलिए फट से इसको खा लेते हैं, और उसके बाद जो भी दिन भर का काम होगा वो कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखा भी दूंगा। सो अभी क्या दोस्तों, टाइम आई थिंक हो चुका है 2 बज रहा, और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा था, तो बाहर मैं नहीं जाने का सोचा, क्योंकि सब्जी उतना रूम में नहीं था। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये अरबी का मैंने स्लाइस में कट किया है। इसको हम लोग हर तरफ के लैंग्वेज में पेचकी या फिर कच्चू भी बोलते हैं। तो आप सामने से देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने कट किया है, और अभी मैं इसका भुजिया बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने इंडक्शन में दाल चढ़ाया है, जो कि शायद उड़द का दाल है, और चावल थोड़ा देर के बाद बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अरबी की भुंजिया बना सकते हैं, क्योंकि जनरली इससे पहले आप लोगों ने अरबी का भुंजिया हो सकता है नहीं खाया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग सब्जी ही खाते हैं, और सब्जी बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाने में। केवल सिंपली आप कुकर में इसको ऐड करो और थोड़े बहुत मेथी वगैरह डालो, हल्दी वगैरह डालो, जनरली बन जाता है। लेकिन अरबी का भुंजिया मैं खुद फर्स्ट बार ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी आप ब्लॉग में देखोगे कि कैसे मैं अरबी का भुंजिया बनाता हूँ। तो ब्लॉग में आप स्टे ट्यून रहो, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अरबी की भुंजिया बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने लिए कढ़ाई यहाँ पे ले लेना है, और कढ़ाई को सबसे अच्छे से गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद दोस्तों हम लोग इसमें सबसे पहले सरसों तेल ऐड करेंगे, क्योंकि आप सरसों तेल में अगर अरबी की भुजिया बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। तो सबसे पहले एक बार आप श्योर कर लें कि ये अच्छे से गर्म हो चुका है या नहीं। और गर्म होने के बाद दोस्तों आपका जो क्वांटिटी है अरबी का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप तेल ऐड कर लेंगे सरसों का। तो यहाँ पे मैं अपने क्वांटिटी के अनुसार सरसों तेल ऐड कर रहा हूँ। अब हम वेट करेंगे, अच्छे से सरसों तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि अजवाइन और हींग डालेंगे। और अजवाइन आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मैंने छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे लिया है, और ये हींग है, तो आपके सामने मैं चलिए ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लहसुन का इस तरह से आप कूचा हुआ ले सकते हैं, या फिर आपको पेस्ट लेने का मन है तो दोनों में से आप जो चाहे आप ले सकते हैं। मेरे पास पेस्ट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से बारीकी से मैंने कूच लिया है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें प्याज वगैरह भी लेते हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टेस्ट आपको अरबी का जो भुजिया है वो तो बिना प्याज का ही आपको मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि प्याज आप इसमें ऐड ना करें। चलिए अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने अरबी का जो सब्जी वो अच्छे से कट कर लिया है। आप बारीक तरीके से इस प्रकार कट कर लेंगे। और एक चीज़ दोस्तों आपको कोशिश करना है कि जब भी आप अरबी को कट करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा देर इस प्रकार से रखना है, ताकि इसमें जो भी वाटर है अवेलेबल वो निकल जाए, उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड करने के बाद दोस्तों आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या दोस्तों, आप अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद आपको मीडियम फ्लेम में यहाँ पे इसको कुछ देर तक छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे इंडक्शन में 500 कर रहा हूँ, और हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ढक देंगे। और ढकने के बाद एटलीस्ट आप इसको 2-3 बार ढक करके और अच्छे से आप पका लेंगे। तो अब गाइस करीब 2 से 3 मिनट हो चुका है, और चलिए इसको खोल कर देखते हैं। और आपको ये चेक करना है कि कहीं ये ऑयल से स्टक तो नहीं रहा है बर्तन में, और फिर से आप इसको अच्छे से चला लीजिए। अरबी का भुंजिया दोस्तों थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, आलू का तो है नहीं, इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको बनाना होगा, और अच्छे तरीके से आपको इसको फ्राई करना होता है। 2 से 3 बार आप मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट कर करके आप इसको अच्छे से पकाएंगे। चलिए मैं फिर से इसको ढक देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम हम लोग इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो
एक तरफ क्या दोस्तों कि मैं इधर अरबी का भुजिया बना रहा हूँ जिसका रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ, और इस साइड क्या दोस्तों कि मैंने दाल को अच्छे से उबाल लिया है कुकर में, और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे प्याज को बारीक तरीके से कट कर लिया है, ये टमाटर है और ये मिर्च है, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे पुणे साइड के स्टाइल में मैं दाल को बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया और यहाँ पे मैंने तेल को भी ऐड कर लिया है, और सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक तेजपत्ता लिया है, हम इस तेजपत्ता को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद दोस्तों ये अच्छे से इसको हम चला लेते हैं, और ये जब जैसी लाल हो जाएगा फिर हम इसमें प्याज मिर्च और टमाटर को ऐड करेंगे। बस मैं फ्लेम को हाई कर लेता हूँ दोस्तों, ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है और ये भी अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब चलिए हम यहाँ पे मिर्च को ऐड कर लेते हैं, और साथ ही मैं यहाँ पे प्याज को भी ऐड कर लेता हूँ। अब क्या है कि इसको अच्छे से आपको चलाकर फ्राई होने तक आपको वेट करना है, और फिर हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे। सो अब क्या दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो अरबी का भुजिया है नीचे सटने लगा है, और अब आपको क्या करना है इसमें हल्दी वगैरह ऐड करना है। तो चलिए हम हल्दी को ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे हल्दी ऐड कर देंगे, और साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड करूँगा, और साथ ही मैं लाल मिर्च थोड़ा सा ऐड करूँगा। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों अच्छे तरीके से अब देखेंगे चारों तरफ से ये सट रहा है, और अब थोड़ा देर आपको इसको और अच्छे से पकाना है, उसके बाद जो आपका अरबी का भुजिया है वो आई थिंक रेडी हो जाएगा। तो अब क्या दोस्तों इसमें मैंने टमाटर ऐड कर लिया है, क्योंकि जो प्याज था वो थोड़ा ज़्यादा ही लाल हो गया था, क्योंकि मैं एक ही साथ दोनों तरफ काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टमाटर को ऐड कर चुका हूँ, और हम टमाटर को थोड़ा देर यहाँ पे पकने देंगे, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़रा सा नमक ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छे से चला लेंगे। सो अब क्या दोस्तों ये जो टमाटर और प्याज है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, कुछ इस प्रकार से आपको भी कर लेना है। एंड अब हम यहाँ पे जो बॉयल दाल था उसको ऐड कर देंगे, आपको अच्छे से मिक्स करना है। अब पहले क्या होता है दोस्तों, जनरली हम लोग क्या करते हैं दाल को सिंपल ही बनाते हैं, और ये जो थोड़ा है ये आपको दाल में एक तड़का टाइप से लग जाएगा, तो जो दाल का टेस्ट है आपको बहुत अच्छा निकल कर आएगा। अगर आप इससे रोटी वगैरह भी खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा दाल है, आप इससे रोटी भी आराम से खा सकते हो। और क्या है दोस्तों दाल है वो फाइनल कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अब इस साइड देखिए कि यहाँ पे जो अरबी का जो भुजिया था वो भी आई थिंक पक चुका है, एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसमें गरम मसाला लास्ट में ऐड कर लेता हूँ अच्छा लाने के लिए, एंड ऐड करने के बाद आपको अच्छे से इसको एक बार चलाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अरबी का जो भुंजिया है बनकर रेडी हो चुका है, और इधर जो है आपको दिखा दूँ ये दाल भी कंप्लीट बनकर रेडी हो चुका है, और अभी थोड़ा सा चावल बनने में इधर टाइम लगेगा, उसके बाद कंप्लीट मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्लेट में चावल और ये दाल और ये अरबी का भुजिया और एक छोटा सा मैंने आम का अचार लिया और प्याज लिया है। अब मैं खाना खाने के बाद आपसे मिलूँगा, और शाम को हो सकता है मैं कहीं जाऊँगा तो ब्लॉग में मैं इंक्लूड करूंगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक जरूर करिए। आई होप आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं मेक श्योर इसी प्रकार के नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँ, और धीरे धीरे करके दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैं रांची को एक्सप्लोर करूँगा, और जितने भी यहाँ पे अट्रैक्शन के प्लेस है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और जितने भी यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, जितने भी अच्छे अच्छे ढाबा है जहाँ पे आप कन्फ्यूजन होते हैं अगर आप कपल्स में जाना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं ब्लॉग लेकर आऊँगा। आई होप आपको अगर वो भी ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।